वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों देख सकते हैं आपके एमपी पुलिस के अंदर जेल प्रहरी की अभी वैकेंसी आई हुई है। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल आज आपको बता दूंगा कि सर इनके पेपर्स हमको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो एमपी पुलिस के जो प्रहरी होती है ना, उसमें पिछली साल भी कई सारे पेपर हुए थे, तो उनमें कहाँ से हम पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम उनकी प्रैक्टिस कर सकें। इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन पूरा डिटेल मैं आपको एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में, जब आप एमपी पुलिस, या देखिए आप यहाँ पर जाएंगे पीबी साइट पर, जब आप जाएंगे तो इसके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन जेल डिपार्टमेंट प्रहरी, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2018 के बारे में, ठीक है? तो पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, पेपर भी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, पेपर का लेवल क्या होता है और कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और इसके साथ ही साथ इसकी वैकेंसीज के बारे में क्या कुछ रूल है, अगर कुछ जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको पूरा शेड्यूल यहाँ पर बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले जब आप इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसमें जो डेट दे रखा है, यानी आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, वो 11 अगस्त से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ देखो ऑनलाइन आपका पेपर होगा, जिसमें का आपका 29 और 30 सितंबर को आपका पेपर होगा, ठीक है? तो इसका अगर कोई भी चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपके परीक्षा केंद्र हो सकते हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर, सतना, उज्जैन, रतलाम। आपके देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको बता देता हूँ, देखिए आपका मैथ आएगा, इंग्लिश और हिंदी, आपका जीके आएगा और साइंस आएगा, तो ये 5 सब्जेक्ट आएंगी 20-20 नंबर की। तो इस तरह से आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता। हाँ, और देखिए यदि आप इंग्लिश की अगर आप टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के देखिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक दे रखी है, उसे आप अभी फ़िलहाल में टच कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे पेपर इंग्लिश के सॉल्व मैंने खुद कराए हुए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल आपको फ़ायदा मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बाहर से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ़ीस दे दिया है, ये 500 रुपये तो जनरल का होगा, 250 रुपये आपका अनुसूचित जाति यानी ST ST के लिए हो जाएगा। यदि आप क्योस से बढ़ते हैं तो 570 रुपये का चालाना आपका लग जाएगा, ठीक है? तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा तो बात करते हैं आपके पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जब आप ये फॉर कैंडिडेट में जाएंगे तो इसमें देखिए मॉडल आंसर्स एंड फाइनल आंसर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको पूरा का पूरा पेज आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल एंड फाइनल आंसर्स दे रखे हैं। देखिए आपको बता दूं 2018 के अंदर जितने भी पेपर हुए थे वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो देखो अगर आप इनमें से किसी भी लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही साथ आपको PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन प्लस उसका आंसर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2018, 17, 16 और 15, 14 के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है, यानी 2018 के अंदर कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यानी किसी भी कोर्स को करने के लिए जो पेपर होते हैं उनके भी पेपर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 2017 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पुलिस डिपार्टमेंट का भी, देखो जेल विभाग का, ये दे रखा जेल प्रहरी के सारे पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए ये आपको इस तरह से आपको मॉडल आंसर की इस तरह से एक शीट खुल जाएगी, और यहाँ पर देखो सारे के सारे पेपर आपको दे रखे हैं, यानी कि यदि आप पेपर देने जाएँ तो उससे पहले इन सारे के सारे मॉडल पेपर को लगा लेना, ठीक है ना? इसी बेस का पेपर आता है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, और देखिए हाँ अभी इसका क्या है, रूल बुक नहीं आया। रूल बुक का मतलब है कि कितना वैकेंसी है, से 2 दिन के अंदर यहाँ पर दी हुई जो रूल बुक है ना वो अपडेट हो जाएगी, बता दिया जाएगा कितना वैकेंसी है, ठीक है, किस पोस्ट को कितना वैकेंसी। अच्छा देखो यहाँ पर मैं रूल बुक की यदि हम बात कर लेते हैं तो रूल बुक जो मिलेगा वो आपको 2018 का यहाँ पर मिल जाएगा, 2000 एंट्रेंस एग्जाम है, और 2017 भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जो है रूल बुक यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए ये दे रखा यानी जेल विभाग के बारे में जो रूल बुक तैयार हुई थी 2017 में क्या क्या था, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये सारी जानकारी आपको मुझे देना उचित समझा। हाँ एक और बात देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे सर कट ऑफ कितना जाता है इसका, तो देखो कट ऑफ के बारे में आपको बता दूँ, पिछली बार जो हुआ था ना वो जेल प्रहरी और अलग अलग यानी वन विभाग काफ़ी सारे डिपार्टमेंट एक साथ पेपर हो गया था, तो उनका अलग अलग तो कट ऑफ नहीं बताया गया था, लेकिन हाँ आपका ये कन्फर्म है कि देखिए यदि आप 100 में से 75 नंबर भी लेके आते हैं तो 75 से प्लस चलेगा, 75 से यदि आपके कम नंबर है जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं
तो कहीं ना कहीं सोचने वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 75 आपको स्कोर करना ही करना है, इससे ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें से आप पाँच पाँच से लेकर के 6 नंबर आप माइनस कर सकते हैं। एस सी एस टी की बात करें तो उसमें से आपको यानी 75 में से 10 से लेकर के 12 नंबर आप कम कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, पिछली साल का जो कट ऑफ जिस पर हम एनालाइज किया जा चुका है, तो इतना कम से कम आपका यदि आप स्कोर रहेगा तो आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। आप जेल प्रहरी का देखो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट होता है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें इतनी ज़्यादा कम वैकेंसी है, हम फॉर्म भरें या नहीं भरें? देखिए सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप तैयार हैं, मन तन लगा करके तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आराम से। हाँ, एक और बात, देखिए एमपी पुलिस हो चाहे वो जेल प्रहरी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो एमपी के अंदर एक खास बात ये होती है कि पेपर का जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। दूसरी बात, आपको जितने भी पेपर हो चुके हैं एमपी के अंदर वो सब के सब आपको मिल जाते हैं, यहाँ साइड पर आकर के सारे पेपर आपको मिल जाते हैं। तो आपको पेपर का लेवल भी पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पूरा अच्छी तरीके से पूरे के पूरा फोकस आप कर सकते हैं इस एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं रहेगा कि कैसा पेपर आता है, हमको तैयारी किस लेवल का करना चाहिए। तो देखो साइंस की बात करते हैं तो साइंस आपका सारी की सारी 10th लेवल का आएगा। इंग्लिश की चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पेपर जो है देख सकते हैं, वहाँ पर खुद मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है। और यदि आप चाहते हैं कि सर जेल प्रहरी के जो पेपर हो चुके हैं उनकी आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बता दीजिए जो पेपर में पूछी गई है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उन पर भी आपको इंग्लिश प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए फिर मैं मिलता हूँ, यदि आपका कोई डाउट है, इश्यू है, तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।